पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की उपलब्धियों को सराहा, समाज में अनिवार्य योगदान देने के लिए आभार व्यक्त किया है। विश्व महिला दिवस पर राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन, सीएम अखिलेश करेंगे वीरांगनाओं को सम्मानित, वहीं उत्तराखंड सीएम करेंगे महिला पुलिस अधिकारियों का सम्मान। पूरी स्थान आदि सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेत से कलाकृति बनाई। पटनायक ने अपनी कलाकृति ऑल वुमेन फ्लाइट A1173 की क्रू मेंबर्स के नाम की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई में हे दीदी पार्सल सर्विस ने महिलाओं की बाइक रैली निकाली। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही भूमाता ब्रिगेड के सदस्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। टेनिस की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी मारिया शरापोवा ने क्लासिक के ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान वो ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी। उन्हें मलेडियम दवा की सेवन की वजह से फेल किया गया था। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के आगे बढ़ने के संकेत दिए। कहा, बीजेपी से गठबंधन के पिता के फैसले को करूंगी मैं पूरा साकार। ईपीएफ पर मोदी सरकार ने दिए टैक्स वापसी के संकेत। आज सदन में वित्त मंत्री अरुण जेटली देंगे बयान। सरकार ने बजट की थी ईपीएफ पर टैक्स लगाने की घोषणा। इंदिरा गांधी की जयंती पर सक्रिय राजनीति में कदम रख सकती है प्रियंका गांधी वाड्रा। इलाहाबाद में आनंद भवन में होने वाले कार्यक्रम में हो सकता है इस बात का ऐलान। यूपी के राज्यपाल राम नाइक ने दी जेएनयू के छात्रों को नसीहत। का मर्यादा में रहे छात्र, यूपी के विश्वविद्यालयों में भी दी तिरंगा फहराने की सलाह। ओडिशा के मलकानगिरी में 39 नक्सलियों के समर्थकों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। मुंबई के पी जमेलो रोड पर स्थित प्लास्टिक गोदाम में बीती देर रात भीषण आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पर पा लिया गया है। मुंबई के थाने में युवक ने अपने मां बाप की इसलिए हत्या की क्योंकि उसके मां बाप ने उसे कबड्डी के खेल में भाग लेने से मना कर दिया था। नोएडा एक्सटेंशन के टिगरी गांव में एक नाबालिग लड़की की रेप के बाद जिंदा जाने का मामला सामने आया। लड़की की हालत बेहद गंभीर है, उसको जिला अस्पताल से रेफर किया गया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी गरीबों को निशाना न बनाए। ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। बंगलुरु में मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक केस चल रहा है तब तक माल्या पैसे नहीं निकाल सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को। कंपनी के कई कर्मचारी सैलरी न मिलने से परेशान है। अलायंस के कुछ कर्मचारी संजय जैन ने बताया कि उन्होंने पिछले एक साल से सैलरी मिली ही नहीं है। 2013 जुलाई में रिजाइन किया, अभी तक मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर सैलरी पेंडिंग है। और मेरे जैसे ऐसे कम से कम 1.5 से 2 हजार एम्प्लॉई रहेगा, उनमें से कम 1000 तो इंजीनियरिंग के ही रहेगा जिनको सैलरी मिला नहीं। संजय जी ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेल किया, इसके जवाब 6 महीने में आया कि उनका मामला उड्डयन मंत्रालय को आगे बढ़ा दिया गया। मंत्रालय ने 2 महीने में जवाब दिया कि ये निजी मामला है। नरेंद्र मोदी जी के पास भी मेल भेजा था, सर ने मुझे 6 मंथ बाद रिप्लाई भेजा था। जो मेरा जो मैटर है मैंने मेरा फुल डिटेल्स के साथ भेजा था, उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया था। जो ये मैटर उन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया। आफ्टर 2 मंथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मेरे पास रिप्लाई भेज रहा है, ये प्राइवेट कंपनी है तुम्हारा, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कंज्यूमर पूरा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खमारदीह इलाके में चर्च पर हमला करने के संबंध में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। पश्चिम बंगाल के आवड़ा जिले में रेत से बचने की कोशिश में एक लड़की एक इमारत की दूसरी मंजिल से कूद गई। बुरी तरह जख्मी हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दार्जिलिंग जिला प्रशासन गठपांडा को अपना चुनावी मस्किन बनाने का फैसला किया है। बेंगलुरु के उनसूर झील में हजारों की तादाद में मछलियां मर गई। मछलियों के मरने के पीछे झील में प्रदूषण का स्तर बढ़ना बताया जा रहा है। मीरपुर में बांग्लादेश को हराकर एशिया कप जीतने के साथ ही इंडिया आईसीसी T20 रैंकिंग नंबर 1 पर पहुंच गई और अब T20 वर्ल्ड कप शीर्ष टीम के रूप में उतरेगी टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप का आज से आगाज, क्वालिफाइंग मुकाबलों में एक दूसरे से भिड़ेगी हांगकांग और जिम्बाब्वे की टीम। नागपुर में खेला जाएगा यह मुकाबला। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में स्मृति ईरानी के बयान को पीड़ित परिवार ने बताया झूठा। कहा, स्मृति ईरानी ने नहीं की थी कोई भी मदद। चित्रकूट में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री साध्वी रंजन ज्योति राष्ट्रीय रामायण मेला का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने जेएनयू मुद्दे पर कहा कि भारत माता के टुकड़े करने की आवाज उठाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तानपुर गांव और ज्ञानीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने अपने दल के नेता अशोक सरोज को गोली मार दी। कन्नौज में एक शराबी पति ने शराब के पैसे न मिलने पर अपनी पत्नी को डंडे से पीटा और बेटे को बुरी तरह बेरहमी से अधमरा कर दिया पीट पीट कर। हथियारों के बलरामपुर के सफा विधायक के भाई अनुकूल अक्षर पुलिस ने गिरफ्तार कर गोंडा जेल भिजवा दिया है। अलीगढ़ में बीएसपी पूर्व प्रत्याशी संगीता चौधरी की आवाज पर अज्ञात बदमाशों ने गला के साथ मारपीट की। फिरोजाबाद में आज के दौरान 3 साल के मासूम की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा करते डॉक्टर की क्लिनिक में तोड़फोड़ कर दी।
हमीरपुर के मुस्कुरा में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मुरादाबाद में मनी एक्सचेंज व्यापारी के घर में तीन बदमाशों ने धावा बोल दिया और घर में मौजूद महिलाओं को बंधक बना लिया और 4 लाख रुपए सहित 10 तोले की चेन लेकर फरार हुए। जालौन के खदौरा क्षेत्र में मौसम में अचानक करवट, इसके चलते रिमझिम बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को तबाह होने की संभावना पूरी तरह से है, किसान परेशान है। आगरा में बालू से भरे ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौल दिया, 2 लोगों की मौके पर मौत। मिर्जापुर के चुनार गांव की लिफ्टिंग जिमनास्ट निधि सिंह पटेल हिमाचल प्रदेश में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सेलेक्ट होकर यूएसए वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हैं। उनका कहना है कि अगर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला सरकार की तरफ से तो हम निश्चित तौर पर खूब मेडल जीतेंगे। वाराणसी में राणा शिप्रा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के जुटकेस के तहत ग्रामीण महिलाओं के साथ मिलकर रुद्राक्ष की जपमालाओं को नया और खास रूप देकर देश विदेश में बेच रही है, पहुंचा रही है। फरुखाबाद में अजय यादव के नेतृत्व वाले गुलाबी गैंग और उर्मिला राजपूत के नेतृत्व वाले रेड आर्मी महिलाओं के हक की लड़ाई बखूबी लड़ रही है। गोरखपुर में मर्दानी गैंग की 65 साल की सिंगेश श्रीदेवी ने लाचार घरों से सताई गई महिलाओं को लेकर एक पूर्वांचल महिला ब्रिगेड नाम का संगठन बनाया है। आत्रो संक्षण इलाके गांव से ट्रॉली में एक युवक की खुद के तमंचे से गोली लग गई, युवक की मौत। अंबेडकर नगर में अकबरपुर चीनी मिल के गन्ना ट्रॉले शहर से होकर लगातार गुजर रहे हैं, तो वहीं जबकि डीएम साहब विवेक ने अवैध रूप से चल रहे इस ट्रॉले पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बावजूद इस प्रतिबंध के लगातार इस तरह की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के डंडिया बाजार की गल्ला मंडी में 2 गाड़ियों सहित 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। पचरौल में 3 कांवड़िए ट्रक की चपेट में आ गए, 3 की मौत। मेरठ में चाइनीज मांडे से टीपी नगर में एक बुजुर्ग बुरी तरह से जख्मी हो गया, बुजुर्ग स्कूटी से थे, कटी हुई पतंग के मांडे से उनको बुरी तरह से चोट आई है गर्दन पर। पीलीभीत के माधो टांडा क्षेत्र में कलली नगर के पास अबाफ व्यापारी से 10 लाख की लूट को अंजाम दिया गया, 3 बदमाशों ने व्यापारी पर लोहे की रॉड से हमला बोला और पूरी लूटपाट को अंजाम दिया। मिर्जापुर में घरेलू चिड़िया गोरैया को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वन विभाग की तरफ से यह अभियान 20 मार्च तक चलेगा। आतंकी हालात के मद्देनजर पूरे देश में सुरक्षा कड़ी है, वहीं गाजियाबाद में पुलिस की ही लापरवाही बरत रही है, यहां के राजा कुछ इलाके में कई किरायेदारों के सत्यापन पर निकले हैं। एक बार फिर से पीएम मोदी ने अपने संसदीय वाराणसी में विकास के लिए एक नया गांव चुना, सांसद ग्राम योजना के अंतर्गत मोदी ने पहले जयपुर गांव लिया, 1 साल बीत जाने के बाद अब वाराणसी के आराजी लाइन ब्लॉक अंतर्गत नागपुर गांव को गोद लिया है। चावा के थाना एकदिल क्षेत्र में NH2 पर ट्रक की टक्कर से कांवड़िया की मौत, 2 जख्मी। इलाहाबाद में युवक की हत्या के बाद जमकर उत्पात मचा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नाराज लोगों ने करैली के नुरल्ला रोड पर जाम लगा दिया। लखनऊ में मिनी ग्रिड नीति घोषित हो गई है, इसके बाद गांव और कस्बे में बिजली पहुंचेगी। मदोई में ऑटो और ट्रैक्टर की भिड़ंत में मां बेटी की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी। आजमगढ़ में 3 बाइक सवार बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गोली मारी, मामला सराय मीर थाने के रांगडीह गांव का। आगरा की सुनीता ने अपने जज्बे और हिम्मत को लोहा बनवाया, गुरबत से सम्मान की जिंदगी तक का सफर सुनीता ने कड़ी मेहनत से तय किया। पीलीभीत थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में दलित छात्रा का शव खेत से बरामद हुआ, परिजन गांव के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। रामपुर में शहर के बीचों बीच इलाके में बंद घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 3 लाख रुपए का सामान पर हाथ साफ किया। अमेठी के शुक्ल थाना क्षेत्र के अमेठियन मजरे मदानपुर में अवैध असले की फैक्ट्री पकड़ी गई है। आतंकी घुसपैठ के मद्देनजर यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया, सभी एसटी को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए। लगभग 32 कंपनी पीएसी फोर्स जो है पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों को संवेदनशीलता की दृष्टि से जो है वो बांट दी गई है, और जो फोर्स हमारा फंसा रहता है उसको भी रिजर्व के रूप में रख के और उनसे भी आवश्यकता अनुसार ड्यूटी लिए जाने के निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। फैजाबाद और अयोध्या के कई चौराहों पर जी हां योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग्स लगी है, सीधे सीधे लिखाएगी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने की वकालत तो है ही, साथ ही साथ चेताया गया कि भाई साल 2017 में योगी नहीं तो वोट नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है अचानक से इलाहाबाद पहुंची है, यहां पर क्यों पहुंची, ये पूरा का पूरा जो उनका ट्रिप है ये गोपनीय रखा गया, 2 घंटे रुकी वहां पर स्वराज भवन में और वापस लौटी। मेरठ में एक थानेदार डीएम और एसडीएम को भी गाली देने में पीछे नहीं है, इन अधिकारियों को गाली देते थानेदार का वीडियो तक बन गया जो कि अब क्षेत्र में चर्चा का केंद्र है।
प्रतापगढ़ में सदर के सपा विधायक नागेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना आलम के गुर्गो की गुंडई जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में देखने को मिली। पहले तो कवामिस की पिटाई हुई, साथ ही साथ अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया गया। मौके पर मौजूद पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही। लखनऊ से लौटते समय प्रदेश सरकार के हथकरघा एवं कुटीर उद्योग मंत्री महबूब अली का ट्रेन में चश्मा छूट गया। कानपुर के बर्रा के जरौली इलाके में दबंगों द्वारा पुलिस से मिलकर पुलिया तोड़वाए की धमकी दी गई। इसके बाद इलाके के महिलाओं ने हाथों में डंडे चप्पलें लेकर जमकर उत्पात मचाया, प्रदर्शन किया। अलीगढ़ की करवन नदी में 70 साल की महिला का शव मिला। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस, हालांकि महिला की शिनाख्त हो नहीं पाई है। बिजनौर के नगीना इलाके में एक महीने पहले ट्रैक्टर ट्रॉली लूट और हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। साहिबाद में मोबाइल की शॉप में चोरी हुई है। यह सनसनीखेज मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके का है, जहां पर लाखों के मोबाइल चोरी। आगरा में स्वतंत्रता सेनानी का परिवार आज सड़कों पर है। हालात बद से बदतर, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। अलीगढ़ में एक व्यक्ति की कांवड़ ले जाते वक्त मौत हो चुकी है, हालांकि इसको लेकर परिजन जो है पूरी तरह से हंगामा बरपा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री विभाग द्वारा साइंसेज विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। देवरिया के बैतालपुर स्टेशन पर बैगन से तेल चोरी के मामले में आरपीएफ देवरिया और देवरिया पुलिस सामने। आगरा में सर्राफा व्यवसायियों ने हड़ताल जारी रखते हुए चाय बेचना शुरू कर दिया है। कानपुर के चिड़ियाघर में नर वनमानुष की मौत के बाद अब ये प्रजाति पूरे भारत से विलुप्त हो गई है। कानपुर देहात के ऐतिहासिक मंदिर में प्रसाद मिश्र के लिए लगने वाली दुकानों के कब्जे को लेकर खूब तांडव हुआ। जमकर गोलियां चली, चार लोग गंभीर तौर पर जख्मी। लखनऊ पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के तकरीबन 296 कछुओं के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर से जेल में बंद एक कैदी ने पेड़ से कूदकर आत्महत्या की। वाराणसी में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार शिव बारात निकाली गई। हमीरपुर में सराफा व्यवसायी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए वित्त मंत्री का पुतला फूंका, नारे लगाए। मथुरा में सराफा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए वित्त मंत्री अरुण बाजे के साथ अर्थी निकाली। महाराजगंज पुलिस ने पड़ोसी मुल्क नेपाल में चोरी की गाड़ियां बेचने वाले गैंग का खुलासा किया। कन्नौज में सभा के कद्दावर नेता शिवरामाऊ, विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के जैन स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष अनय कुमार का सर कलम करने वालों को 11 लाख रूपये देने का ऐलान किया। गोरखपुर में शिव मंदिर से पूजा करके घर जा रही महिलाओं को ऑटो चालक ने अपने घर ले जाकर अपनी बहनों के साथ जमकर पीटा। झुमका के इलाके बरेली के बाजार में आपने सुना होगा इसी झुमके को, अब वर्षों बाद बरेली में जगह मिलने वाली है। बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के डेला पीर तिराहे पर एक विशाल झुमका लगाने जा रहे हैं। सहारनपुर पुलिस ने एक महीने पहले हुई निजाबंद आश्रम में डकैती में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस इनके पास से 16,000 रूपये की नकदी बरामद की। कौशाम्बी जिले के अजुआ बाजार में लगी भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। महुआ में एक लड़की के प्यार में पागल व्यक्ति उससे शादी रचाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। आगरा के संजय पैलेस में 4 मार्च को एक बाइक चोरी हो गई और पुलिस के द्वारा खोज नहीं करने पर बाइक मालिक ने खुद इसका जिम्मा उठाया। शामली के थाना झुझाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने एक महिला और उसके प्रेमी को गोली मार दी। आसमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र से 3 साल का बच्चा 4 दिन पहले लापता हुआ। सहारनपुर में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने से नाराज सराफा व्यापारी, 6 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। राज्यपाल राम नाईक ने लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं को 1% आरक्षण देने की वकालत की है। लखीमपुर खीरी में नार्कोटिक्स और एसटीएफ ने गांजे की बड़ी खेप को बरामद किया। मैनपुरी थाना भुगांव और कस्बा के गुंजन गेस्ट हाउस में बेटी का लगन चढ़ाए जाने पर सिपाही की हर्ष फायरिंग में मौत हो गई। हापुर के धौलाना क्षेत्र पिलखुआ में क्रेन ऑपरेटर के परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती। मथुरा की पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में 7 दिवसीय आई कैंप का आयोजन। आगरा में चोरों ने एक टाइटन घड़ी के शोरूम को निशाना बनाया। गोरखपुर के मंदिर में 4 महिलाओं ने एक महिला की चेन पर हाथ साफ किया। गुजरात में आतंकवादियों के प्रवेश के बारे में खुफिया सूचना के बाद अलर्ट जारी। कासगंज पुलिस और सर्वेलांस टीम ने 23 दिनों पूर्व कैनरा बैंक के एटीएम की लूटपाट का खुलासा किया। रायबरेली के चिचौला गांव में ग्रामीण को गांव के बाहर झाड़ी में कपड़ों में लिपटा नवजात शिशु बरामद हुआ। फतेहपुर जिले में महाशिवरात्रि के दिन मांगी मन्नत पूरी होने के बाद एक युवक ने मंदिर में जाकर अपनी जीभ काटकर चढ़ाने का प्रयास किया।
मेरठ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी नीरज भाटी सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कन्नौज जिले के महाराजा रहे जयचंद की याद में उनके किले के पास एक कार्यक्रम का आयोजन। मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस ने एक हत्या के साथ गिरोह चढ़ा जो ट्रेनों में यात्रियों के लैपटॉप चोरी किया करता था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर न्यू कैंट रोड मुख्यमंत्री आवास में सीएम रावत 11 आईएएस 9 आईपीएस और 8 आईएफएस ऑफिसर्स को मुख्यमंत्री महिला सम्मान देंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले हरी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रुड़की में नगर निगम हॉल में बॉडी बिल्डिंग शो के मिस्टर रुड़की को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सीएम हरीश रावत ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी से बजट को लेकर सुझाव मिले हैं। एक लोगों के साथ लोगों की भावना का बजट होना चाहिए और जो उत्तराखंड ने पिछले एक साल में जिस तरीके से तेजी के साथ ग्रोथ बना करके रखी है, विकास की दर रखी है, उसको बनाए रखने की कोशिश होनी चाहिए। हरिद्वार में गंगा में अवैध ढंग से हो रहे खनन पर मात्र सदन के समर्थन में वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता आ गए हैं। देश में 10 आतंकियों की घुसने की खबर के बाद हरिद्वार के अर्धकुंभ मेले में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। श्रीनगर के मलेथा की महिलाओं ने अवैध क्रशर के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। पिथौरागढ़ की रहने वाली रेवती जोशी ने विपरीत हालात में भी लघु उद्यमिता के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। नेपावत में व्यायाम शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर बीपीएल और एमपीएल प्रशिक्षित बेरोजगारों ने तेवर दिखाने शुरू किए। भगवान केदारनाथ के कपाट 9 मई को सुबह 7 बजे से खुल जाएंगे। ज्योतिष पीठ अधीश्वर शंकराचार्य की सेहत में सुधार। श्रीनगर में खस्ताहाल पुल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी से मुलाकात की। इस मुलाकात पर सवाल उठना लाजमी। देहरादून में नारी निकेतन में महिला संवासनियों के साथ दुराचार से जुड़े मसले पर हाईकोर्ट ने एक जांच कमेटी का गठन किया। मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व दिवस पर पेंटिंग कार्यशाला का आयोजन। प्रदेश के आबादी वाले क्षेत्र में वन जीवों के बढ़ते हमलों के मद्देनजर वन मंत्री दिनेश अग्रवाल का कहना है कि विभाग इस समस्या से पार पाने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रहा है। चमोली में 2 दिवसीय मेले का आयोजन। देहरादून के आराघार चौक में देहरादून के सीएमआई चौक तक आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपदा के लिहाज संवेदनशील प्रदेश उत्तराखंड में अब ग्राम चौकीदार और प्रहरी भी मदद करेंगे। करण जौहर ने इस बात की पुष्टि की वो 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीक्वल बनाएंगे। प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, नाना पाटेकर, ओम पुरी, शिवाली शाह, अलीवर की एक फिल्म में एक साथ काम करने वाले हैं। फिल्म सुल्तान का टीजर मुंबई में रिलीज। अंबी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म के बाद वरुण धवन और आलिया भट्ट फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में नजर आएंगे। कमी नायक कपिल सर्जकों का जमकर मनोरंजन करने के बाद कपिल शर्मा का नया कॉमेडी शो एक गली की थीम पर आधारित हो सकता है। ऋषि कपूर ने रविवार को मां चाचा शशि कपूर और सहित अपने पूरे परिवार के साथ लंच किया। कपूर एंड फैमिली के साथ समय बिताया। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने पुष्टि कर दी कि अब शादीशुदा है। करण जौहर का कहना है कि अगर वो शाहरुख और सलमान को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे तो वो बिक जाएंगे। हिमेश रेशमिया का कहना है कि उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 13 सूर के अपनी कसम तोड़ दी। उन्होंने शराब ना पीने की कसम तोड़ी क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें शराब पीनी पड़ी। सानी ने दूसरे की उसको चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो उनके साथ काम करें। जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म रॉकी हैंडसम का पहला गाना अल्फाजों की तरह रिलीज हो गया। आने वाली फिल्म लव गेम्स का गीत आवारगी रिलीज हुआ। मिस्र में हुए कार्यक्रम में शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले की रिलीज हुई है। करण जौहर का कहना है कि अगर वो 2008 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दोस्ताना का सीक्वल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो 30 से 77 बार रोका जाएगा उनको। अभिनेत्री डेजी शाह का कहना है कि उन्हें सलमान खान से बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। अमिताभ ने ट्विटर पर लिखा कि एक बार शाहरुख ने उन्हें अच्छी नींद लेने की आदत डालने का मशवरा दिया था और शाहरुख की यह सलाह उनकी काफी काम आ रही है। अभिनेता अरशद वासी ने अपने घर पर 2 नए मेहमानों का स्वागत किया। ये 2 नए मेहमान उनकी नई मोटरसाइकिल इंडियन स्काउट और कुत्ता जिगी है। बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस विपाशा बसु ने एक्टर करण सिंह ग्रोवर से सगाई करने की आवाज साफ इंकार कर दिया। आमिर खान ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत एक असहिष्णु देश है।
जॉन ने कहा कि देश में 80 एक्शन हीरो की कमी है और इस फिल्म में वो एक्शन को अगले स्तर तक पहुंचा सकते हैं। एक्ट्रेस स्वरूप संपत का कहना है कि वो अपने पति परेश रावल के साथ फिल्मों में काम करने से डरती हैं। पूर्व और पश्चिम उपकार क्रांति जैसी देशभक्ति वाली मूवीज करने वाले मशहूर अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार को फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया जाएगा।